आगे दिल्ली में बिजली को लेकर राजनीति लगातार जारी है। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार ने पीपीएसी को जो दरें हैं उसको बढ़ा दिया, इसके साथ ही बड़ी दरों को लागू किया। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कल पूरी दिल्ली में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में बिजली के बढ़े हुए बिलों को लेकर बीजेपी का हमला केजरीवाल सरकार पर जारी है। बिजली बिल में पीपीएसी की बड़ी दरों को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। अब बीजेपी ने डीआरसी के चेयरमैन को पत्र लिखा। बीजेपी वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पत्र के जरिए मांग की है कि भारी पीपीएसी पेंशन अधिभार मीटर शुल्क लोड अधिभार के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि बढ़ी हुई दरों के कारण उपभोक्ताओं के बिजली बिल बहुत अधिक बढ़ गए हैं। पीपीएसी मीटर रेंट, लोड सरचार्ज और पेंशन, ये चार ऐसे सरचार्ज हैं जिससे दिल्ली की जनता को लूटा जा रहा है। हमारा मानना यह है कि अगर एक कंज्यूमर जितनी बिजली की खपत कर रहा है आप उससे उतने पैसे लीजिए, आपको ये सरचार्ज लगाने की ज़रूरत क्या है। हमने डीआरसी के चेयरमैन को ये पत्र लिखा है और 2015 से 2024 तक जितना पैसा अरविंद केजरीवाल सरकार ने बिजली बिलों के माध्यम से लूटा है इसकी न्यायिक जांच की हमने मांग की है। हमने उनसे निवेदन किया है कि ये प्रावधान चेक किए जाएं, पीपीएसी किस संदर्भ में लगाया जाता है, लोड सरचार्ज लगातार क्यों लिया जाता है, मीटर रेंट का क्या प्रावधान है और पेंशन सरचार्ज, जो एम्प्लॉई एक बिजली कंपनी के लिए काम कर रहा है रिटायर होने के बाद उसको पेंशन देने का काम उस बिजली कंपनी का है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मौके पर घोषणा की। पीपीएसी और बाकी सरचार्ज के विरोध में कल सोमवार 15 जुलाई को दिल्ली के सभी 14 जिलों में बिजली दफ्तरों पर प्रदर्शन होंगे। बिजली वितरण कंपनियों और दिल्ली सरकार के बीच आम आदमी को लूटने और रिश्वत बांटने का एक आपसी रिश्ता है। हमने मांग की है डीआरसी चेयरमैन से कि इसकी न्यायिक जांच की जाए और इस पूरे विषय को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करी। कल दिल्ली में हमारे 14 सांगठनिक जिले हैं और 14 बिजली के बड़े दफ्तर, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे और ये सरचार्ज लेने की मांग को लेकर हम लगातार आंदोलन करेंगे। दिल्ली वालों को इस तरह से अरविंद केजरीवाल उसकी सरकार को लूटने नहीं देंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली वासियों के बिजली बिल सिर्फ गर्मियों में खपत की वजह से नहीं बल्कि अत्यधिक पीपीएसी और अन्य शुल्क लगाने की वजह से बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि 2015 से हर सर्दी और गर्मी में वर्ष की संबंधित तिमाही के लिए पीपीएसी बढ़ाया जाता है, लेकिन तिमाही के अंत के बाद इसे कभी वापस नहीं लिया जाता और जो पीपीएसी 1.5% शुल्क के रूप में शुरू हुआ था वो अब लगभग 45% तक पहुँच गया है। टोटल टीवी के लिए प्रणय शर्मा की रिपोर्ट।